तक से नहीं निकाला गया, क्या हो रहा है सिंध भर में, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं कि सातवें मुहर्रम अल हराम का जो जुलूस है वो अपने गुजरगांव से रवानदवा है और इस वक्त मैं मौजूद हूं कुहाट की मरकजी सुप्रीम कमांड पोस्ट में, जहां से जुलूस की जो है निगरानी कैमरों के जरिए और ड्रोन कैमरों के जरिए हो रही है। इस वक्त हमारे साथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर कुहाट जनाब जावेद इकबाल साहब मौजूद हैं। उनसे हम जानते हैं कि आज के जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं सातवें मुहर्रम अल हराम के हवाले से वो क्या बताना चाहेंगे। जी सर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम की सिक्योरिटी के हवाले से सातवीं के जो जुलूस है हमारा, 1000+ हज़ार से ज़्यादा पुलिस के जवान लगे हुए हैं जो रूट्स पे, रूफ टॉप्स पे, जितने रोड ब्लॉकर्स हैं, इसके अलावा हमारे जो एडजाइनिंग जितने हिल और माउंटेन टॉप्स हैं वहाँ पे हमारी फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जवान लगे हुए हैं, और साथ ही जुलूस के दोनों अतराफ में और मुख्तलिफ वेंटेज पॉइंट पे पाक आर्मी के डिप्लॉयमेंट भी हमारे पास मौजूद है। आपने शुरू में ख़ुद कहा कि तमाम रूट्स पे एक एक इंच की इस मरतबा कैमरे लगे हुए हैं, और वो ना सिर्फ लाइव रिकॉर्डिंग कर रहे हैं बल्कि यहाँ पे लाइव डिस्प्ले भी उसका आ रहा है, प्लस ड्रोन के ज़रिए भी यहाँ पे डिस्प्ले आ रहा है, हवाई उसके साथ उसका निगरानी हो रही है उसकी। जी नाज़रीन, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर जनाब जावेद इकबाल साहब बता रहे थे कि इस बार जो है सातवें मुहर्रम अल हराम के जुलूस के लिए 1000 से ज़ायद पुलिस एहलकारों की मौनत हासिल है, और इसी के साथ ही साथ किसी भी ना खुशगवार वाकये से निपटने के लिए पाक फौज की मौनत भी हासिल है। जी बहुत शुक्रिया।